हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रो कबड्डी लीग के 8वें संस्करण के लिए सारे टीम्स कौन कौन से खिलाड़ियों को रिलीज़ करेगी और कौन कौन से खिलाड़ियों को रिटेन करेगी। बेंगलुरु बुल्स की बात करें तो पवन शरावत को तो रिटेन करेगी बेंगलुरु बुल्स, लेकिन हो सकता है कि बेंगलुरु बुल्स रोहित कुमार को रिलीज़ करें। दबंग दिल्ली जो है नवीन कुमार को रिलीज़ कर सकती है, क्योंकि नवीन कुमार जो है न्यू यंग प्लेयर की कैटेगरी से पीकेएल में सिलेक्ट हुए थे। अब नवीन कुमार जो है लेवल ए के कैटेगरी के प्लेयर बन चुके हैं, तो दबंग दिल्ली को उन्हें रिलीज़ करना होगा। लेकिन दबंग दिल्ली जो है FBM का इस्तेमाल करके नवीन कुमार गोयत को अपनी टीम में वापस शामिल कर सकती है, लेकिन इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। अगर नवीन कुमार गोयत ऑक्शन में आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है 1 करोड़ के नीचे में तो दबंग दिल्ली को वो वापस मिलने वाले हैं नहीं, क्योंकि हो सकता है नवीन कुमार सीजन 8 के सबसे महंगे खिलाड़ी बन जाए, तो इस बात से दबंग दिल्ली को नुकसान हो सकता है। यू मुंबा की बात करें तो फजल अत्राचली और अभिषेक को यू मुंबा रिटेन करेगी। वही रिलीज़ की बात करें तो संदीप नरवाल को रिलीज़ कर सकती है। वही हो सकता है संजीव बालियान भी आपको यू मुंबा के हेड कोच के रूप में ना दिखे। दीपक हुड्डा भी आपको प्रो कबड्डी के 8वें संस्करण में किसी और टीम से खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। जयपुर पिंक पैंथर भी दीपक हुड्डा को रिलीज़ कर सकती है, और हो सकता है अगले संस्करण में श्रीनिवासन जी भी जयपुर पिंक पैंथर के कोच के रूप में आपको ना दिखे, उनकी जगह पर आपको संजीव बालियान जी कोच के रूप में दिख सकते हैं। वही रिटेन प्लेयर की बात करें तो विशाल लाथेर और संदीप धुल आपको प्रो कबड्डी के 8वें संस्करण में जयपुर पिंक पैंथर से खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। यूपी योद्धा की बात करें तो सुमित और नितेश कुमार को यूपी योद्धा रिटेन करेगी। सिद्धार्थ देसाई भी आपको ऑक्शन में दिख सकते हैं। हो सकता है तेलुगु टाइटन उन्हें रिलीज़ करे फिर FBM का इस्तेमाल करे। हो सकता है सिद्धार्थ देसाई उन्हें पिछले बार के मुकाबले इस बार कम कीमत में मिल जाए। स्टार रेडर प्रदीप नरवाल भी इस बार आपको ऑक्शन में दिख सकते हैं। हो सकता है पटना पायरेट्स उन्हें रिलीज़ करे, हाँ FBM का इस्तेमाल करके वो उन्हें वो अपनी टीम में वापस शामिल कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है इस बार प्रदीप नरवाल भी आपको ऑक्शन में दिखे। पटना पायरेट्स ने सुरेंद्र नाड़ा को सीजन 7 में अपने टीम में तो शामिल किया था, लेकिन उनके इंजरी की वजह से वो एक भी मैच खेल नहीं पाए थे, तो हो सकता है सुरेंद्र नाड़ा को भी पटना पायरेट्स इस बार रिलीज़ कर दे। हरियाणा स्टीलर्स जो है विकास खंडोला को रिटेन करेगी। ये देखना भी दिलचस्प होगा कि हरियाणा स्टीलर्स कौन से खिलाड़ियों को रिटेन करती है और कौन से खिलाड़ियों को रिलीज़ करती है। पुनेरी पलटन की बात करें तो पंकज मोहिते को पुनेरी पलटन रिटेन करेगी, लेकिन उसके साथ साथ गिरीश एरनैक और नितिन तोमर को पुनेरी पलटन रिलीज़ कर सकती है। पिछले सीजन की चैंपियन टीम की बात करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी अपनी टीम में वापस रखने की कोशिश करेंगे। बंगाल वॉरियर जो है मनिंदर सिंह और नबी बख्श को रिटेन करेगी ही करेगी। उसी के साथ के प्रपंज और बलदेव सिंह को भी बंगाल वॉरियर्स रिटेन करेगी। रिलीज़ की बात करें तो हो सकता है सुकेश हेगड़े और जीवा कुमार को बंगाल वॉरियर्स रिलीज़ कर सकती है। तमिल थलाइवाज जो है वी अजीत कुमार को रिटेन करेगी, लेकिन बाकी खिलाड़ियों का क्या होगा ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। वही गुजरात फॉर्चून जाइंट जो है रोहित गुलिया को रिटेन कर सकती है। उसी के साथ साथ सुनील और परवेज की जोड़ी को भी गुजरात रिटेन कर सकती है। और प्रो कबड्डी के 8वें संस्करण के ऑक्शन और स्टार्टिंग डेट के बारे में बात करें तो अभी तक प्रो कबड्डी की तरफ से आधिकारिक रूप से कोई भी घोषणा नहीं की गई है। कबड्डी जगत की ताज़ा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं और हमें बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।